कुल्लू जिले की ग्राम पंचायत जिया के प्रधान संजू पंडित ने सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर पर आरोप लगाए हैं कि जब से सुंदर ठाकुर लाडा के अध्यक्ष बने हैं उन्होंने बजट स्वीकृत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लाडा यानी लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जिया पंचायत के 32,80,000 रुपए की राशि स्वीकृत न होने से पंचायत में विभिन्न विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब से सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने पिछले 2 सालों में ग्राम पंचायत जिया के लिए 1 रुपए का बजट भी स्वीकृत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जिया पंचायत में कूड़ा संयंत्र केंद्र स्थापित करने के लिए एनओसी के लिए दबाव डाला जा रहा है और उसके एवज में लाडा के पैसों की स्वीकृति का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत जिया की तरफ से आधा दर्जन से अधिक प्रस्ताव विकास कार्य को लेकर लाडा के ऑफिस में सबमिट करवाए गए हैं, लेकिन बजट स्वीकृत न होने से विभिन्न विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत जिया में सड़क क्षतिग्रस्त है और उसको रिपेयर करने के लिए भी कोई प्रशासन विभाग की तरफ से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जबकि लोगों को यातायात के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सड़क किनारे रेलिंग न होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत जिया में लाडा के बजट रिलीज होने से गांव में कई विकास कार्य रुके हुए हैं, जिससे गांव के विकास में सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ग्रामीणों के साथ मिलकर इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 32,80,000 रुपए का शेयर भाव बनता था जो हमें लास्ट पिछले साल में मिला था। चुनावों से पहले हमने 7 लाख रुपए का इसमें हमने सेंक्शन काम कराया था, उसका काम हमने खत्म कर दिया। हमारा 25,80,000 रुपए पड़ा है। जब से सरकार बनी है, सुंदर सिंह जी चेयरमैन बने, हमें 1 रुपया नहीं दिया लाडा के से दिया गया। मैं बार बार आया, अभी लाडा के मीटिंग में विषय रहा था तो ये बोलते कूड़े के एनओसी दो तब हम पैसा देंगे, जबकि पैसा हमारा है, वो पैसा ग्राम सभा ने तय किया है और उसमें आधा पैसा फिटामन रोड का है कि वहाँ पे एंगल लगाए जाए, रोड ना गिरे, पकड़ पक गए, टायरिंग की जाए वहाँ पे। हमने विद एस्टिमेट साल में मैंने पैसा प्रस्ताव बना के लाडा ऑप्शन दिया है। 2 साल से जब से सुंदर सिंह चेयरमैन बने 1 रुपया नहीं दिया गया, क्योंकि उसका 5-6 मीटिंग हो चुकी हमारी। लास्ट बूथ मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि आप बड़े बड़े काम डाली, हमने कुछ काम बड़े भी डाले, समझा भवन भी डाला, ठीक है, तो वो भी नहीं किया गया। तो 2 साल से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। हम इनसे अपना पैसा नहीं मांग रहे, मगर जो हमारा अपना पैसा बनता है, हमारा बैकवर्ड सप्लान का पैसा है, नाडा का पैसा है, उसको दीजिए। जीए में लगभग सारे रोड पक्के हो चुके, शांति वन करोड़ है, फिर वन करोड़ जो हमें अनकम्प्लीट है। मैंने अभी कहा कि 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, रास्ता ऊपर खबर है, लोग स्कूटर में जाते, बाइक में जाते हैं और गिरने खतरा गिरता गिरने का, तो उसको पक्का करने में क्या हर्ज है इनको? कोई आपसे सरकार से पैसा मांग नहीं रहे, अपना पैसा हम खर्चेंगे, मगर कोई हमें नहीं दिया जाए। और इस नाले के लिए तो हमने बार बार बात की, नाले के लिए लोकल विभाग से बात की कि भाई नाले, लोकल विभाग ने कहा कि हम क्रेट लगाएंगे ना, उन्होंने क्रेट लगाए, लास्ट इनको प्रस्ताव दिया बना के। अब इन्होंने डीआरडी सेलेक्टर आता है कि इस काम को निर्गे से कराओ, आप 5 लाख काम निर्गे से कराओ। अब आप देखो ना, 5 लाख काम निर्गे से बना संभव है कभी? अगर हम नरेगे में काम करना ना, तो आप लोग को हम खुद नरेगे से काम करेंगे। नरेगे में हम आज फाइल देते हैं, 2 साल बाद सेक्शन मिलती है, 2 साल बाद सीमेंट आता है, 5 साल बाद काम शुरू होगा, तो तब तक तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना जी। हमने क्यों, हम अगर हम नरेगे से काम करते तो तुम्हारे अपनी पावर है। हम बोले अपना बजट जो हमारा बजट बढ़ता है सब लंका लाटा के, वो हमें इशू कराया, आप हम कल काम करेंगे, नहीं होता आप खुद कराइए, पीरियड उदास का हम दे देंगे उसी, मगर रास्ते तो बनने चाहिए। वो ग्राम त्याजी का शेयर है, वो किसी का शेयर नहीं है, वो ग्राम त्याजी का शेयर है लाटा के 32,000 रुपये, वो आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। अगर इन्होंने रिलीज नहीं किया तो हमारे पास और ऑप्शन भी है, उसके भविष्य में भविष्य बात करेंगे, मगर आज हमारा बेटर है कि नाले में कलवट डाल जाए। 200 मीटर ऊपर, 200 फुट पर नाला बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, गिरेगा तो वो बढ़ नहीं पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज himachal.kesri।